आदेश के बाद हेलमेट लगाना हुआ जरूरी। पुलिस ने निकाली जन जागरूकता रैली, लोगों को किया जागरूक। समझाइश के बाद ही होगी चालानी कार्यवाही। प्रत्येक मोटरसाइकिल के लिए हेलमेट हुआ जरूरी। हेलमेट के बगैर तेल नहीं मिलेगा, पार्किंग नहीं मिलेगी। कोर्ट के आदेश के बाद हेलमेट लगाना हुआ जरूरी। पुलिस ने निकाली जन जागरूकता रैली, लोगों को किया जागरूक। समझाइश के बाद होगी चालानी कार्रवाई। प्रत्येक मोटरसाइकिल चालक के लिए हेलमेट हुआ जरूरी। हेलमेट के बगैर पेट्रोल पंप में तेल नहीं मिलेगा, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। कोर्ट के आदेश के बाद हेलमेट लगाना हुआ जरूरी। पुलिस ने हेलमेट लगाने को लेकर जागरूकता रैली निकाली। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया है, जिसके चलते हेलमेट लगाने को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा। बुधवार को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात पुलिस ने बाइक रैली निकाली, लोगों को हेलमेट लगाने के लिए जागरूक किया। आयोजित किए गए कार्यक्रम को लेकर यातायात थाना प्रभारी दिलीप तिवारी ने बताया। आज ये बाइक रैली जो निकाली गई है, एक संदेश के रूप में निकाली गई है। संदेश यह है कि हमारे कलेक्टर सर और एसपी सर ने हमको आदेश दिया था कि आज रैली निकाल करके लोगों को अवेयर करना है हेलमेट के प्रति। तो टू व्हीलर चालक हैं और उनके पीछे बैठने वाले जो पिलियन ड्राइवर्स हैं, उनको जो है राइडर्स हैं, उनको हेलमेट लगाना है। बिना हेलमेट के रोड पर नहीं निकलना है यदि आप मोटरसाइकिल चलाते हो। हेलमेट ही आपकी सुरक्षा है। बहुत सारे रोड एक्सीडेंट जो हैं, 50% से अबव जो रोड एक्सीडेंट है, उनमें जो मृत्यु हो रही है केवल और केवल उन चालकों की हो रही है जो मोटरसाइकिल चलाते हैं और हेलमेट नहीं लगाते हैं। अतः इन सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए, लोगों को मरने से बचाने के लिए, उनकी जान की रक्षा करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के गाइडलाइन के मुताबिक आप सभी को हेलमेट जो है अनिवार्य कर दिया गया है। कल इस संबंध में एक मीटिंग जो है कलेक्ट्रेट कार्यालय में रखी गई थी, जिसमें हम लोगों को आदेश प्राप्त हुए थे कि प्रथमतः हमको जो है रैली निकाल करके, बाइक रैली निकाल करके लोगों को अवेयर करना है, उसके बाद में इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करना है।